नमस्कार दोस्तों, आज हम पार्किंसंस डिजीज के ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो यह एक तंत्रिका तंत्र से जुड़ा एक रोग है जिसमें शरीर के अंगों में कंपन जो महसूस है वो होता है। दुनिया में 1 करोड़ से ज्यादा लोग या फिर 1 करोड़ के करीब जो लोग हैं इस बीमारी से पीड़ित हैं। भारत में कई मामले हर साल इस बीमारी के आते हैं जिनमें 60 से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं यानी 60 साल से जो ऊपर क्रॉस कर जाते हैं उनमें पार्किंसन डिजीज का होना सबसे ज्यादा पाया गया है। तो भारत में कई मामले होने के बावजूद यह रोग किसी भी उम्र के रोग यानी किसी भी उम्र के व्यक्ति को यह रोग हो सकता है। इसके लक्षण की बात करें तो शरीर में कंपन का महसूस होना और शरीर की क्रियाओं को तेजी से ना कर पाना, इस तरीके की समस्या इस रोग में हो सकती है। और झुककर चलना और अचानक गिर पड़ना और यानी व्यवहार में बदलाव, इस तरीके की समस्या पार्किंसंस रोग में होती है। ज्यादातर आपने देखा होगा जो 60 या 70 या 80 साल के जो लोग हैं उनके हाथ पैर कपते हैं पेन या सिग्नेचर करने पर आपने देखा होगा। तो ये पार्किंसंस के लक्षण है यानी रोग के। इसको यानी आप पेन किलर या अन्य दवाओं से ठीक नहीं कर सकते। इसके लिए जो ब्रेन केमिकल है उसको संतुलन को बनाए रखने के लिए जो दवाएं दी जाती हैं, इस तरीके की दवाएं इस रोग में देते हैं। तो इस रोग में जो दवाएं दी जाएंगी, वैसे मैंने पार्किंसंस डिजीज के ऊपर वीडियो बनाया था पर कुछ स्ट्राइक वगैरह आ रही थी इसलिए मेरे को वो जो वीडियो है वो प्राइवेट करना पड़ा था। तो इसमें मैं जो दवाएं हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिख दूंगा किस तरीके से आपको ये दवा देनी है, डोज क्या होगा और किस तरीके के व्यक्ति को यह यानी जो दवाएं हैं वो दे सकते हैं। तो कुछ दवाएं आती हैं, वैसे सही जो रिजल्ट के लिए आप यानी सही आपको मालूम है कि इस जो सामने वाला व्यक्ति है उसको पार्किंसंस रोग है तो ये दवाएं आप दे रहे हैं तो कुछ लोगों को साइड इफेक्ट हो सकते हैं। और सही दवा अगर सूट हो जाए या फिर आपने दी है इस रोग के चलते तो 100% उसको रिलीफ होगा जो दवाएं डिस्क्राइब।